नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी बधाइयां दी है। जी हां, बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर काफी खुशी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाइयां दी और साथ ही कहा कि उन्होंने इतिहास रचा है, इतिहास में इस बात को याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार खबर को विस्तार से देख लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह संसद भवन देश के कानून बनाने के साथ देश के इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी का काम अच्छे बुरे कार्यों की पहचान कर सकारात्मक भूमिका निभाना है, मगर विपक्ष नहीं कर रहा है। आज विपक्षी दल सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज पासवान ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई दी है और कहा है कि यह देश के लिए सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 साल में नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर खुशी का भी इजहार किया है। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कार्यकर्ता आपस में मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं और साथ ही पूरे तरीके से जश्न का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टी के नेताओं के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच 1 क्विंटल लड्डू बांटकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह, युवा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि नई संसद भवन का उद्घाटन देश के लिए ऐतिहासिक है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जन्म जन्मांतर तक लोगों के बीच याद किए जाएंगे। बताने के संबंध में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी ने बताया कि इस मौके पर छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा, कार्यालय प्रभारी राधाकांत पासवान, राजेंद्र विश्वकर्मा, छात्र आलोचपा के प्रधान महासचिव विशाल यादव, पुष्कर पासवान, शुभम यादव, राजवीर पांडे, पंकज पासवान, गोलू कुमार, रंजीत कुशवाहा, सूरज पासवान, देवेंद्र कुशवाहा, कल्पना शर्मा, अंकित दुबे, साथ ही पंकज दांगी सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच लड्डू बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयघोष किया। इस आशय की जानकारी प्रदेश प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी ने भी दी है। इस आशय की जानकारी प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से दिया गया, जिसके बाद यह बताया गया कि आज नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया था, जिसके तहत ढेर सारी मिठाइयां और लड्डुओं को बांटा गया और आपस में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जहां पर पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी और कहा कि आपने जो काम किया है वो अविश्वसनीय है, इतिहास के पन्नों में इसे याद रखा जाएगा। ये एक ऐसी पहल है जिससे कि देशवासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। हालांकि आपको मालूम ही है कि इस पूरे मसले पर अब भी सियासत जारी है, लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां हो रही है और इसी कड़ी में आज की बात करें तो कांग्रेस ने भी ट्विटर पर कई तरीके के पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, जिससे कि ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया था। और इसी बीच बता दें कि अब पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां देकर देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।